जिले भर में गणगौर माता के जवारों की बाड़ियां खुली, दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बड़वानी सहित जिले के अंजर, राजपुर, पानसेवल, खेतिया, निवाली में आज शुक्रवार तीज के दिन गणगौर माता के जवारों की बाड़ियां खुली तो बाड़ी स्थलों पर माता के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का माँ गणगौर देवी के जवारों के दर्शन पूजन करने का तांता लग गया। गणगौर पर्व की धूम गाँवों में जमकर देखी गई। बाड़ी पूजन के बाद अब रथों का श्रृंगार होगा। लोगों को माँ गणगौर देवी के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिला। गणगौर पर्व की धूम गाँवों में भी जमकर देखी जा रही है। गणगौर गीत और नृत्य को लेकर मातृशक्ति में काफी उत्साह है। गणगौर पर्व के परिदृश्य को देखें तो गाँव में अनेकों परिवार गणगौर पर रथ सजाए जाते हैं। त्योहार को मनाया जाता है और क्या मान्यता है? यह त्योहार निमाड़ का प्रमुख त्योहार है गणगौर। यह एकादशी के दिन से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर गणगौर की तीज तक चलता है। एकादशी के दिन माता जी के जवारे बोकर उनकी स्थापना की जाती है। 9 दिनों तक बाड़ी में माता जी को रखा जाता है। तीज के दिन बाड़ी को प्रातः खोल दिया जाता है। सभी भक्तगण सभी आते हैं और पूजा करके अपने अपने घरों पर माता जी के जवारे ले जाते हैं और रथ के माध्यम से 9 दिनों तक यह प्रोग्राम चलता है। जिस प्रकार एक लड़की की शादी अपने घरों पर की जाती है और जिस प्रकार का उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार का यह उत्सव है। 9 दिन तक हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। सभी अपने अपने घरों पर रथ के माध्यम से जवारों को ले जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। 9 दिनों तक तमोल बांटा जाता है, मेहंदी बांटी जाती है, गीत गाए जाते हैं, झालरियाँ गाए जाते हैं। पूरा उत्साह और उमंग निमाड़ में देखते ही बनता है इस पर्व को। और